कैसा फील कर रहे हैं आप? हम फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं अस्लान भाई। आगे सफर निकले शुरू होगा तो फाइनली गाइस हम अपने टूर के लिए रवाना हो गए हैं और ये हमारा टूर यहाँ से कुमराट वैली और उसके साथ जुड़े जो भी पिकनिक पॉइंट्स हैं वहाँ की तरफ है। जो स्पेशल है वो कुमराट वैली है और जाज बांडा है। तो हम आपको मुकम्मल गाइड करते रहेंगे कि हमारा ये कैसा टूर गुजरता है। और काफी फास्ट ड्राइविंग कर रहे हैं अस्लान भाई। जी जी लेट हो गया सर। हाँ तो ये देखे मैंने इन्हें सुबह 4 बजे और अंजुम भाई दो बिल्कुल टाइम पे रेडी हो गए थे। इस दफा बिल्कुल अंजुम भाई ने हमें तंग नहीं किया है, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो जो सबसे ज्यादा मुझे डर था वो अंजुम भाई का था कि हमें फिर इस दफा जाके उन्हें उठाना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट कर दू टूर में हमने उन्हें जाके घर से उठाया था, फिर वो रेडी होके आए थे। आपको पता है कि रात को बीस भी कितने थे। चले इस दफा ये अच्छी बात है यार, नाश्ता भी नहीं किया हमने अभी। अरसलान भाई सुबह हो गई है? अभी नहीं हुई। आपको तो नहीं नींद आई ना? सो जाएं जी, सो जाएं, हम आपको नहीं डिस्टर्ब करते। थैंक यू बॉस। गाइस इस वक्त मोटरवे पे हमारा सफर जारी है। हम यहाँ पे पिशावर वाली साइड पे जा रहे हैं और तिमरगरा से कुमराट वैली वाली साइड पे उतरेंगे और फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। सही कंफर्म तो रास्ता नहीं है लेकिन फिर भी जा रहे हैं। मोटरवे ख़त्म हो के दूसरी मोटरवे शुरू होती है और बड़ा ही खूबसूरत मंजर है यहाँ का। देखें ये
वेलकम टू स्वात मोटरवे। और ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट था, इमरान खान का था, चले जिसका भी था, लेकिन बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट था ये। और बहुत जल्दी बंदा स्वात पहुंच जाता है इस इंटरचेंज से। चकतरा के करीब स्वात एक्सप्रेस से मौजूद होते हैं। हम थोड़ी देर के लिए कोई नाश्ता वगैरह का मूड बनाने के लिए रुके हैं, लेकिन बन नहीं रहा मूड, नहीं बन रहा नाश्ते का। टाइम काफ़ी निकल गया है, 10 हुआ है साइड से, अब नाश्ते का टेस्ट नहीं आएगा। यही कहा था, दिन का टाइम आने वाला खाने का। और धूप काफ़ी तेज है यहाँ पे, गर्मी भी है। और ये दूसरे दोनों जवान किधर गए? गर्मी काफ़ी आ रहे थे, गर्मी है। अल्लाह करे वहाँ मौसम अच्छा हो ताकि एंजॉय कर सके कुछ। तकरीबन दिन 11 से 12 के दरमियान का टाइम है और काफ़ी रश है यहाँ पे, ट्रैफिक जो है तो काफ़ी ब्लॉक है और काफ़ी टाइम लग रहा है हमारा यहाँ पे। फाइनली गाइस हम इस वक्त तिमरगरा पहुँच चुके हैं और यहाँ दिन के खाने के लिए वेट किया, खाना वगैरह खा के उसके बाद हम चलेंगे आगे। और बड़ी बेहतरीन जगह है ये होटल, बस अंदाजे से ये इस होटल में आके, और काफ़ी बेहतरीन लोकेशन पे है और काफ़ी अच्छा इन्होंने सेटअप बनाया हुआ है। अभी देखते हैं क्या खाना वगैरह यहाँ ऑर्डर करते हैं अंजुम भाई लोग।
पानी वगैरह चेंज कर रहे हैं, गाड़ी को ठंडा कर रहे हैं और हम यहाँ आके बैठ गए हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर देखते हैं। बहुत शुक्रिया मेरा इंतजार करने के लिए। तो भाई ये क्या है कढ़ाई यार, देखने में तो बड़ी जबरदस्त लग रही है। और अच्छा ड्रोन वगैरह वो पड़ा हुआ है, सही है, जबरदस्त रायता वगैरह, कोल्ड ड्रिंक। चलें जी फिर शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह, मैं अभी बस शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चलें गाइस, तो अभी खाना खा के हम कुमराट वैली की तरह रवाना हुए हैं और ये होटल से बाहर जाने लगे हैं। इंशाल्लाह अभी यहाँ से कोई तकरीबन 5 से 6 घंटे की ड्राइव है कुमराट वैली के लिए, और इंशाल्लाह शाम तक हम कुमराट वैली इजीली पहुँच जाएंगे। बाहर की तरफ जा रहे हैं और बताने वालों ने बताया है कि थल बाजार से आगे आप 4x4 जीप पे जा सकते हैं, अगर आप अपनी गाड़ी पे जाएंगे तो ये गाड़ी के साथ ज्यादती करने वाला हिसाब है। तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि आज रात हम थल बाजार में स्टे करेंगे वहाँ किसी होटल वगैरह में, और इंशाल्लाह सुबह वहाँ से 4x4 जीप पे रवाना हो जाएंगे कुमराट वैली की तरफ। और
फिर नाइट स्टे वहाँ कुमराट वैली में करेंगे, और उसके साथ जो भी हमारा प्लान होगा वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। एंजॉय करें आप इस रास्ते को, काफ़ी बेहतरीन रास्ता है। सेक्रीफाइस करना पड़ेगा होटल के लिए, और देखते हैं पता करते हैं कोई अच्छा सा होटल मिल जाए, कोई कंफर्टेबल सा हो नाइट स्टे के लिए, खाने वगैरह के हिसाब से अच्छा हो। अभी जाते हैं चेक करते हैं। मोस्टली यहाँ पे शॉप्स वगैरह जो है ना वो क्लोज हो चुकी हैं, कुछ दो तीन शॉप्स है बहुत कम कोई ओपन है, देखते हैं अभी क्या होता है।